ये छोटी सी झलक मेरी प्रिंसेस के वेलकम का। सो या कुछ इस तरीके से हमने प्रिंसेस का वेलकम किया था, यानी कि गृह प्रवेश किया था। सो एक छोटा सा झलक है, आप देख लो। और भी बहुत कुछ हुआ, सो सारी चीज़ें देखने के लिए मेरे वीडियो पे बनी रही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुंबई ब्लॉगर नेहा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड जब घर में काम होते हैं ना, जब कुछ करना होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हो जाते हैं और कम टाइम में हमें बहुत कुछ करना होता है। सो बस सिंपली सा मैं नहा के आई थी यहाँ पे, एंड मैंने अपने फेस को टोन कर लिया था, यानी कि टोनर मैंने अप्लाई कर लिया था पहले ही, नहाने के जस्ट बाद ही। एंड उसके बाद मुझे मार्केट जाना था, तो मैंने सोचा छोटा सा मेकअप, यानी कि छोटा सा हल्का सा पाउडर वगैरह लगा मैं मार्केट चली जाऊँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया है अपने फेस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप नहीं लगा सकते। तो मैंने एलोवेरा जेल यहाँ पे हल्का सा लिया था, लगा लिया था। वो प्राइमर मॉइस्चराइजर का काम करता है फेस पे और बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। तो मैंने एलोवेरा जेल लगा के 2 मिनट बाद वेट किया है, यानी कि 2 मिनट मैंने वेट करने के बाद जब एलोवेरा ड्राई हो गया, मैंने यहाँ पे व्हाइट टोन पाउडर अप्लाई किया है। दैट्स इट, मेरा यही था मेकअप। यानी कि जस्ट मुझे मार्केट जाना था, बिल्डिंग के पास में ही जो मार्केट था, मतलब नीचे जाना था, तो नीचे जाने के लिए इतना इनफ होता है। सो या मैंने हल्का सा कोमिंग कर लिया है, बाल बना लिया है, जैसे मैं डेली बनाती हूँ बाल घर में, ऐसे ही मैंने कर लिया हल्की सी कोमिंग। एंड बस सो यस गाइस, मैं रेडी हो गई। आपने देखा कि मैं कितनी जल्दी से रेडी हुई, एंड बहुत ही जल्दी से रेडी हो गई, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट कुछ सामान लेने। सो अभी घर पर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मतलब कि सब कोई हॉस्पिटल गया है। एंड भाभी को बेबी हुआ है, मेरी भाभी को, यानी कि मासी की बहू। सो मेरी सगी भाभी नहीं, मासी की बहू, उनको बेबी हुआ है, और फाइनली आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। भाभी बेबी सब कोई घर पे आ जाएगा। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली, मतलब कि भाभी घर पर आ जाएंगी, छोटी बच्ची घर पर आ जाएगी, तो अच्छा लगेगा कि मतलब कि चलो आ गए वो लोग घर पर आ गए। और घर पर जितना ज़्यादा अच्छे से केयर हो पाता है ना, उतना हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पर मैं 3 दिन से आई हूँ, तो मैं 2 दिन कंटिन्यू मैं वहीं पे थी। कंटिन्यू नहीं, मतलब कि रात को आ जाते थे हम लोग, क्योंकि घर पे भी काम होते थे, खाना पीना सब कुछ देखना होता था। सो उसके बाद मैं आ जाती थी, एंड फाइनली आज मेरी प्रिंसेस आ जाएगी, यानी कि मेरी भतीजी वो आ जाएगी आज। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जैसा कि रहेगा मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूँगी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक चीज़। सो अभी मैं अपने बिल्डिंग के नीचे ही लोकल मार्केट में जा रही हूँ, कुछ मुझे डेकोरेशंस के सामान लेने हैं, फ्लावर्स लेना है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:45, हाँ 2:45 हो रहे हैं। सो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। सो जो भी मिलेगा मैं वही लेके आ जाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मुझे अकेले ही सब चीज़ करना है, क्योंकि घर पे कोई है भी नहीं। तो देखते हैं, मौसा जी जल्दी आ जाएंगे तो मेरी हेल्प कर देंगे, और फिर ठीक है। तो मार्केट फटाफट से हम मार्केट चलते हैं, और फटाफट से
नहीं किया फ़ोन का कि वीडियो चल रहा है या बंद हो गया, तो वहाँ तक का वीडियो नहीं आ पाया है। एंड यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था वापस से कंटिन्यू जब मेरा ध्यान गया फ़ोन पे, तो इससे ये जो लाल कलर की रेड कलर की जो लरी दिख रही है ना, ये वाली, तो ये वाली मैंने अंकल से दो मांगी थी और मुझे अंकल ने दोनों दिए थे टेबल पे, मतलब उनके काउंटर पे दोनों रखे थे, बट वो मेरे कैरी बैग में शायद एक ही रखे और एक ही आया था, तो बहुत दूर मुझे जाना पड़ा था क्योंकि दोपहर का टाइम था, 3:15 कुछ हो रहे थे टाइम, तो दोपहर में ऑलमोस्ट शॉप सारी क्लोज होती हैं यानी बंद होती हैं सारी दुकानें, तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ गया था और इतना टाइम नहीं था कि मैं रिटर्न जाती और वापस से लेके आती, दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा ठीक है इतना ही ठीक है, जितना है उतने में कर लेते हैं। तो मौसा भी आ गए थे, हाँ मौसा का ही कॉल आ रहा था, तो मुझे जल्दी जल्दी से आना पड़ा, जल्दी जल्दी में मैं भूल गई थी कि ये कॉल लरी अंकल ने नहीं रखी, एक ही रखी है रेड कलर का, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, अभी जो है उसी से काम चलाना होगा। तो बस, और इसमें से ना एक बलून्स भी लीकेज हो गए थे, यानी कि एक बलून्स जो है ना वो फूटा हुआ था, तो बट फिर भी मैंने उसे लगा दिया था, मैंने कहा ठीक है अब बलून जो है वो फूट गया तो क्या करूँ, नहीं लगाने से बेटर है जो है मैं वही लगा दूँ, तो मैंने वही कर दिया था। एंड मौसा जी आ गए थे तो हम लोग मिल के बलून्स फुलाए, एंड जो ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन अंकल ने दिया था ना, ये बलून्स अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बट ये नॉर्मल बलून से ना थोड़े हार्ड होते हैं, तो ये मुँह से ना फुल ही नहीं रहते, हम लोग इतना थक गए थे ना बलून फुला के, तो बलून को ही फुलाने में बहुत टाइम चले गया था, और मौसा जी थे तो थोड़ा सा जल्दी हो गया था, वरना मैं अकेले होती तो पता नहीं हो पाता, यानी हो तो जाता वैसे बट बहुत ज़्यादा थक जाती मैं, और तो मौसा जी थे तो थोड़ी सी हेल्प हो गई थी, और बलून फुलाने में बहुत मेहनत लगी क्योंकि ये नॉर्मल बलून से थोड़ा हार्ड होता है, एंड वो भी नहीं था हमारे पास जिससे बलून फुलाते हैं, वो भी नहीं था, तो हम लोग ने मुंह से ही कर लिया था, फुला लिया था, तो ऐसे ऐसे करके हम सारा फटाफट सा कर लेते हैं मिलके, और मौसा जी को भी कॉल पे कॉल आ ही रहे थे बट फिर भी वो कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे करके हमने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या ये डेकोरेशन है, बट इतने में इतना ही कर पाए और कम टाइम में, आप समझ सकते हो अगर आपने कभी किया हो तो, कि वो कम टाइम में नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो मैंने इतना ही किया था और बहुत सारा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो को, यानी कि फास्ट कर दिया मैंने ये वीडियो, तो बहुत जल्दी जल्दी सा हो रहा है, क्योंकि अगर मैं स्लो स्लो करती तो बहुत ज़्यादा लेंथ आया और ज़्यादा अच्छा करने जाते तो पूरा दिन लग जाता। सो ये फ्लावर्स से कुछ इस तरीके से किए हैं, ये भी फ्लावर्स का भी अभी बाकी है, ये आधा ही हुआ है एंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ डोर से, तो आप यहाँ पे देख लीजिए स्टार्टिंग से यही है वेलकम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्लावर्स से, एंड यहाँ पे ये आलता रखा हुआ है कलर, यानी कि प्रिंसेस के पैर के छाप लेंगे हम लोग, एंड ये फ्लावर इनके बेडरूम तक पूरा जा रहा है, एंड या बेडरूम देख लीजिए थी जो कि प्रिंसेस के वेलकम के टाइम लगेगी, तो बहुत ही प्यारी सी थाल मैंने यहाँ पे सजाई थी, तो फाइनली आ गई हैं भाभी भैया मौसी सब कोई आ गया है, तो यहाँ कुछ इस तरीके से वो अंदर आ रहे हैं, एंड ये है हमारा मेन डोर। सो यहाँ पे अभी देखना भैया भाभी के फेस की स्माइल, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोला है, तो यहाँ पे मौसा जी आरती कर लेंगे प्रिंसेस की, एंड बहुत ही अच्छे थे सबको, इतना ज़्यादा खुश था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मौसा जी आरती कर लेंगे प्रिंसेस का, गृह प्रवेश कर लेंगे, एंड उसके बाद मौसी भी करती हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे नहीं है कि बस दिखाने के लिए आपको, बस आप लोग भी देखो कैसे क्या किया है अपना, मतलब होता है ना इंसान अपनी खुशी शेयर कर रहा है आप लोग के साथ भी, एंड ये होता है कि एक मेमोरी रह जाती है हमारे पास भी कि इन फ्यूचर अगर हम देखें तो यूट्यूब पर हमेशा पड़ी रहेंगी, तो हम कभी भी देख सकते हैं, और देखने के बाद ना वो मोमेंट याद आ जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे प्रिंसेस आई थी, क्या क्या कैसे हुआ था, तो एक अच्छा लगता है, और वीडियो के थ्रू सारे चीज़ें जो है कैप्चर हो जाती है कि हमने क्या कैसे किया था, तो वो चीज़ें होती ना हमारे लिए सेव रहती है हमेशा, यूट्यूब पे वीडियो रहेगी तो फिर हमेशा कभी भी हम लोग देख पाएंगे, और फिर वो जो खुशी होती है, जो फेस पे स्माइल आती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कुछ इस तरीके से। और वीडियो का यही फ़ायदा होता है जब आप कुछ अपनी खुशियाँ या फिर कुछ आप जब उस टाइम कर रहे होते हैं ना, वो आप 5 साल 2 साल 1 साल बाद भी देखेंगे तो वो फेस पे एक स्माइल आ ही जाएगा कि ऐसे हुआ था उस टाइम पे, तो अच्छा लगता है। और कल को प्रिंसेस भी अगर बड़ी होगी तो थोड़े टाइम बाद वो भी ये वीडियो शायद देखे, तो उसे भी एक अच्छा लगेगा, उसे भी खुशी होगी कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरा वेलकम जब मैं बॉर्न हुई थी, तो अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, इसलिए भी इंसान वीडियोज़ बना रहा है। और
और कहीं ना कहीं आप लोग को भी ये सारी चीज़ें देख के खुशी हो ही रही होगी। एंड अच्छा लगता है ना ये सारी चीज़ें देखो तो बहुत प्यारा प्यारा सा लगता है। तो फाइनली मेरी प्रिंसेस जो है बेडरूम में आ गई है अपने। एंड या दिस इज़ पिक्चर्स, यानी कि उसके बाद हमने ये सारे पिक्चर्स क्लिक किए थे प्रिंसेस के साथ, भाभी भैया मौसी मौसा एंड मैं भी हूँ। सो ये सारी पिक्चर्स एक यादगार रहेंगी, हमेशा के लिए रहेगी हमारे पास, तो अच्छा लगता है। दैट्स इट गाइस, आज का मेरा यही वीडियो था, यही हमारे प्रिंसेस का वेलकम कुछ इसी तरीके से हमने किया था। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं किया था बट जैसा भी था हमारे पास एक मेमोरी कैप्चर हो गई, मतलब हमारे पास हमेशा के लिए ये वीडियो रहेगा। सो या गाइस, हमारे प्रिंसेस की ये पैर है जिसे हमने छाप लिए थे, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करके जाइएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।